स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? स्क्रीन यस सर, विजिबल तो है। यस सर, और ओके सर, सर स्टूडेंट्स चलो ठीक है, एनीवेज ओके। सो टॉपिक फॉर द डे इज सर्किट्स यूजिंग ओपैम। वी आर स्टार्टिंग विथ मल्टी वाइब्रेटर्स। मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स यूजिंग ओपैम करके हमको बनाना है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, है ना? हाउ मेनी मल्टी वाइब्रेटर्स आर देयर? मल्टी वाइब्रेट इन मल्टी वाइब्रेटर सो देयर आर मल्टी वाइब्रेटर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। द फर्स्ट वन इज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। द फर्स्ट मल्टी वाइब्रेटर इज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। मीन्स व्हेन यू अप्लाई ट्रिगर इट डोंट नीड ट्रिगर, है ना? देर इज ए मैकेनिज्म ऑफ ट्रिगर इन मल्टी वाइब्रेटर बट इट डोंट नीड एनी ट्रिगर। इट विल गो अप टू द स्टेट वन। लेट से दिस स्टेट इज स्टेट वन, दिस स्टेट इज स्टेट टू। सो दिस विल ऑसिलेट्स बिटवीन स्टेट नंबर वन एंड स्टेट नंबर टू। दिस विल गो टू द स्टेट नंबर, फ्रॉम स्टेट नंबर टू टू स्टेट नंबर वन, देन स्टेट नंबर वन टू स्टेट नंबर टू, देन स्टेट नंबर टू टू स्टेट नंबर वन, एंड दिस इज ऑसिलेटिंग ऑसिलेशन पैटर्न। दिस इज द ऑसिलेशन पैटर्न। देन दिस विल अगेन कम फ्रॉम स्टेट नंबर वन टू स्टेट नंबर टू। दिस इज द ऑसिलेटर ऑसिलेशन पैटर्न फॉर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मीन्स नो स्टेट इज स्टेबल, नो नो स्टेट इज स्टेबल, नो स्टेट इज स्टेबल, नो स्टेट इज स्टेबल, नो स्टेट इज स्टेबल इन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यू कैन से इट इज काइंड ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, नॉट साइनोसॉइडल ऑसिलेटर बट यस काइंड ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। दिस इज काइंड ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। दिस इज द काइंड ऑफ ऑसिलेटर सर्किट। सो व्हाट इज मल्टी वाइब्रेटर? मल्टी वाइब्रेटर, इन मल्टी वाइब्रेटर वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स, वेयर इन ऑसिलेटर वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। मीन्स इफ आई वॉन्ट आई कैन मेक माई ऑसिलेटर टू स्टे एट स्टेट नंबर वन और स्टेट नंबर टू, है ना? दैट विल कम इन पिक्चर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वेन वी यूज इट इन टाइमिंग सर्किट, फ्लिप फ्लॉप टाइमिंग सर्किट और क्या। ये बात सभी को क्लियर है? बताएं एक बार।
क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये सभी को क्लियर है? हाय आना बोले, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, यस, वेरी गुड। है ना, थोड़ा आप रिस्पॉन्ड करते रहे ताकि टू वे कम्युनिकेशन रहे। तो दिस इज आइडिया फॉर अस्टेबल मल्टीवे ऑपरेटर। और बिलीव मी, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है 2 मार्क्स में, अक्सर पूछा गया है इसी इलेक्ट्रिकल ई डबल ई तीनों ब्रांचेस में पूछा गया है। तो इसके क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। ये एग्जाम में कन्वेंशनल सर्किट नहीं आता है, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा ट्रांजिएंट सोच पाए। सो दिस इज आइडिया ऑफ स्टेबल मल्टीवेरिएटर। द नेक्स्ट इज बाई स्टेबल मल्टीवेरिएटर। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कैसे सर्किट्स हैं? देर इज अगेन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक इज द स्टेट। सो व्हेन दिस इज लेट्स से सपोज स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2 एंड दिस इज स्टेट नंबर 1। दिस इज स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2। सो व्हाट आई कैन से, व्हेन वी अप्लाई अ ट्रिगर इट विल गो टू द व्हेन यू अप्लाई ट्रिगर इट विल गो टू द स्टेट नंबर 2। व्हेन यू अप्लाई ट्रिगर एंड दिस स्टेट नंबर 2 इज स्टेबल स्टेट, जब आप फिर इस पर ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो दिस विल कम टू द स्टेट नंबर 1। फिर आप ट्रिगर अप्लाई करेंगे और दोनों स्टेट कैसी हैं? बोथ द स्टेट्स आर स्टेबल स्टेट, बोथ द स्टेट्स आर स्टेबल स्टेट। है ना, दोनों स्टेट कैसे हैं? स्टेबल स्टेट है, लेकिन इवेंट कौन सा है? इवेंट इज ए ट्रिगरिंग। जब आप ट्रिगर करोगे तो ये स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे जाएंगे, फिर ट्रिगर करोगे तो 2 से 1 पे आ जाएंगे। लेकिन हर बार स्टेट ट्रांजिशन के लिए यू नीड वन ट्रिगर मैकेनिज्म। सो है ना, किसी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए या किसी पॉइंट पे ट्रिगर करने के लिए वी यूज दिस टाइप ऑफ सर्किट। सो वी नीड ट्रिगर टू चेंज द स्टेट। वी नीड ट्रिगर टू चेंज द स्टेट। तो नेक्स्ट इज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट इज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो व्हाट इज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर? द मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज दिस टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। सपोज दिस इज स्टेट नंबर 1, दिस इज स्टेट नंबर 2, और अगर मेरा मल्टी वाइब्रेटर स्टेट नंबर 1 पे है तो ये 1 से 2 ट्रांजिशन करेगा, जब आप क्या करोगे? ट्रिगर अप्लाई करोगे। एंड अगेन दिस विल कम टू द स्टेट नंबर 1। मतलब क्या हुआ?
मतलब ये हुआ कि दैट स्टेट नंबर वन इज ए स्टेबल स्टेट, स्टेट नंबर वन एंड दिस इज स्टेट नंबर टू, तो ये ट्रांजिएंट टाइम के लिए कहां जाएगा, दिस विल एंटर इन टू द स्टेट नंबर टू, देन अगेन विल सिस टू द स्टेट नंबर वन, है ना, एंड व्हाट आई कैन से दिस टाइम इज ए ट्रांजिशन टाइम, दिस इज टी नॉट एंड टी नॉट इज ए ट्रांजिशन टाइम. सो दिस इज आइडिया फॉर द मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ओनली वन स्टेबल स्टेट एंड वन ट्रिगर पिन इज रिक्वायर्ड. वन ट्रिगर पिन इज रिक्वायर्ड, वन ट्रिगर पिन इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज द आइडिया फॉर, दिस इज द आइडिया फॉर द मल्टी वाइब्रेटर सर्किट. तो हम वन बाय वन सभी मल्टी वाइब्रेटर को सर्किट को देखना स्टार्ट करते हैं. वी विल यूज द पॉजिटिव फीडबैक सो दैट ओपैम कैन सेचुरेट, है ना, ओपैम विल ऑलवेज सेचुरेट विद पॉजिटिव फीडबैक, ये बात हम कर चुके हैं, है ना. सो व्हाट आई कैन से, ओपैम विद पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव, अगर एक ओपैम है और अगर आपने पॉजिटिव फीडबैक की दिया है, तो व्हाट इट विल रिजल्ट एट आउटपुट, इधर प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन. और एक बात का ध्यान रखिए, दिस सर्किट इज ऑफ सेचुरेशन, है ना. अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो कोई साइनोसॉइडल ऑसिलेशन चाहिए, तो इस टाइप का यहाँ प्रोग्राम नहीं है. वी कैन सेचुरेट इट ओनली, सो दिस इज इनपुट. इवन इनपुट वी डोंट रिक्वायर एनी इनपुट, है ना. इनपुट मींस द व्हिच इनपुट इज रिक्वायर्ड, ओनली डीसी इनपुट इज रिक्वायर्ड. कौन सा इनपुट की रिक्वायरमेंट है, ओनली डीसी इनपुट की रिक्वायरमेंट है ना. एसी इज नॉट रिक्वायर्ड, एसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीवाई वाइब्रेटर सर्किट. क्या इस पॉइंट तक आपको सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्या ये क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? गुड, तो हम सर्किट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट द सर्किट, है ना. चलो करते हैं स्टार्ट. लेट्स से आई हैव दिस सर्किट, है ना. मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ इसका, बिकॉज बहुत अच्छी वैरायटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. सो दिस इज अवर सर्किट ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. सो व्हाट आई कैन से,
अब आ रही। ठीक। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी को? प्लीज रिप्लाई। कम्युनिकेट नहीं करोगे तो क्लास कैसे चल पाएगा? प्लीज रिप्लाई करें इस बात पे। स्क्रीन विजिबल है क्या? नो। ओके ओके वेट वेट। सर प्रेजेंटर बना दिया सर अभी है ना। बना दिया? हाँ अभी ठीक है ठीक है। ओके, सो दिस इज अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दिस इज बेसिक सर्किट ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यह अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का बेसिक सर्किट है। दिस इज बेसिक सर्किट ऑफ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। लेट्स से हाउ इट वर्क्स। सो बेसिक इक्वेशन फॉर ऑपएम्प इज गिवन बाय दिस। बेसिक ऑपएम्प आउटपुट प्लस कैसा वोल्टेज है? पॉजिटिव वोल्टेज। तो करंट कितना हुआ? आप बोलेंगे सर कि करंट इन द सर्किट, और इस करंट को मैं सेचुरेशन लिखता हूं। तो सेचुरेशन करंट इन द सर्किट इज वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2 R। एक आर ये, एक आर ये, और ग्राउंड पे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ग्राउंड। दिस इज द डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज द करंट। एंड अगर मुझे वी प्लस का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? करंट विल इंटर इन टू दिस डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और यहाँ वी प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी सेट डिवाइडेड बाय 2 R इंटू आर। सो यू कैन से वी प्लस इज इक्वल टू वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाई 2 R इंटू आर। आर एंड आर कैंसिल, तो यू कैन से दिस इज वी सेचुरेशन
divided by 2. This is the idea. So you can एक मेरे पास है आर एक्स, एक मेरे पास है सी एक्स। मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है और यहां जो पोटेंशियल लगाया है ये वह है वी सेचुरेशन। सो व्हाट आई कैन से, आई एम इंटरेस्टेड इन वी प्लस। तो वी प्लस का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? टू कैलकुलेट द वी प्लस हम पहले निकालेंगे वी प्लस इंफिनिटी। वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रहा है? हेलो, वॉइस क्लियर है? ओके स्क्रीन विजिबल है?
अनिकेत बताएं, आप मैसेज करें, चैट बॉक्स में बताएं। स्क्रीन विजिबल है? अनिकेत स्क्रीन विजिबल है? अरे स्क्रीन विजिबल है, प्लीज बताएं। आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? हाँ सर, आवाज आ रही है। नहीं ओके, स्क्रीन विजिबल सर, स्क्रीन दिख रही है? अरे ना सर, आप लॉग आउट हो गए क्या फिर से? यार, ये बार बार नेटवर्क का इशू हो रहा, क्या प्रॉब्लम है सर? मैं इसको दूसरे से कनेक्ट करता हूँ, वेट 1 मिनट। आप मुझको बाद में प्रेजेंटर बनाना है ना, पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑन। सर 1 मिनट रुकना बस। सर बना दीजिए प्रेजेंटर। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो व्हाट आई कैन से, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल गिव इज गिवन बाय दिस दिस इक्वेशन, है ना? दिस इज द इक्वेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस, दिस इज द इक्वेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैसे काम करेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट? तो आप बोलेंगे सर कि कैपेसिटी स्टडी स्टेट में तो कैपेसिटर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। अगर ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ वी सेचुरेशन है, तो वी प्लस का वैल्यू भी कितना होगा? वी सेचुरेशन। सो व्हाट आई कैन से, वी प्लस इंफिनिटी इज इक्वल एन टू वी सेचुरेशन। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी जीरो प्लस? वी जीरो प्लस इज इक्वल एन टू जीरो। वी जीरो प्लस का वैल्यू कितना होगा? द वैल्यू ऑफ वी जीरो प्लस इज इक्वेलेंट टू जीरो, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर कैसा है? डिस्चार्ज। एंड व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट? सो यू कैन से द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज इक्वेलेंट टू आर एक्स इंटू सी एक्स। दिस इज द स्टोरी। सो यू कैन से कि वी प्लस इज गिवन बाय वी इंफिनिटी इज वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन, है ना? बिकॉज वी प्लस इज जीरो माइनस वी सेचुरेशन इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर एक्स इंटू सी एक्स।
ये किसका वैल्यू है, वी प्लस का वैल्यू है ना, इस बात को आप ध्यान रखें। अब क्या हुआ कि एक बार स्टेट कैपेसिटर अब चार्ज होने लगा, और चार्ज होने लगा और चार्ज होने के बाद क्या होगा कि इसके एनालिसिस के रूल फिर से चेंज होंगे। क्या होंगे जरा देखें कि वी आउटपुट इज इक्वलेंट टू वी प्लस माइनस वी माइनस इंटू एओएल, दिस इज द बेसिक रूल फॉर स्टेट ऑफ ओपैम। और व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी प्लस, यू कैन से द वैल्यू ऑफ वी प्लस इज दिस, ये है वी प्लस का वैल्यू। अच्छा वी माइनस का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर कि v माइनस का वैल्यू कितना हुआ, v सेचुरेशन बाय 2, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ v माइनस, ये किसका वैल्यू है, v माइनस का वैल्यू है। और v प्लस का वैल्यू कितना है, यू कैन से द वैल्यू ऑफ v प्लस इज, तो v प्लस का जो वैल्यू है वो कितना है, v आउटपुट इज इक्वलेंट टू V प्लस, तो V प्लस का वैल्यू है V सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2 और Y माइनस V माइनस इनटू AOL। अब ध्यान रखें जैसे ही इसका वैल्यू V माइनस, और V माइनस कैसा है देखो जरा, V माइनस की कहानी ये है कि अगर मैं V माइनस ड्रॉ करूं और T ड्रॉ करूं तो मुझे क्या समझ में आएगा कि T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो वी सेचुरेशन माइनस वी सेचुरेशन कितना हुआ, जीरो। तो मैं बोल सकता हूं कि T इक्वल टू जीरो इट्स जीरो, T इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू कितना है जीरो, और T इक्वल टू इंफिनिटी पे दिस पार्ट विल बी जीरो, तो कहां चला जाएगा, एट वी सेचुरेशन। अल्टीमेटली कहानी कैसी बनेगी, ये ऐसी कुछ कहानी बनेगी। अब ध्यान रखें कि ये तो स्टेट अपनी चेंज कर लेगा कि जैसे ही वी माइनस का वैल्यू V सेचुरेशन से थोड़ा भी बड़ा हुआ, ये वैल्यू अभी कैसा है, अभी देखो इन दोनों कर्व को कंपेयर करो आप कि V सेचुरेशन बाय 2 वाली लाइन कहां होगी, यू कैन से दिस इज द लाइन फॉर V सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2, ये V सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2 की लाइन है। अब क्या बोल सकता हूं मैं, एंड व्हाट दिस रेट कर्व इज इंडिकेटिंग, दिस रेट कर्व इज इंडिकेटिंग V माइनस, करेक्ट है। तो देखो इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में V सेचुरेशन बाय 2 इज ग्रेटर देन V माइनस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो आउटपुट कहां स्टे रहेगा, V सेचुरेशन पे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इस प्लॉट में एंटर करते हैं तो V माइनस का जो वैल्यू है, ये जो कर्व है V माइनस का, इसकी वैल्यू V सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2 से बढ़ गई, तो क्या होगा, दिस नंबर विल बी लेस देन जीरो, और ये लेस देन जीरो है तो कहां पहुंच जाएगा, माइनस वी सेचुरेशन पे पहुंच जाएगा। तो व्हाट आई कैन से कि अभी जो आउटपुट स्टेट है वो रहेगी वी सेचुरेशन पे, यू कैन से दैट दिस स्टेट इज ए वी सेचुरेशन, और जैसे ही चार्ज होते होते है ना, ये वी एक्स है या वी एक्स बोलो या इसको वी माइनस बोलो, वी एक्स चार्ज होते होते मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम इट विल गो अप टू वी सेचुरेशन, और दिस इज वी सेचुरेशन बाय 2, तो ये चार्ज होगा है ना, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, लेकिन इसके आगे जब जाएगा वो, सपोज ये स्टेडी स्टेट में जाना चाहता, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, उससे पहले इसका स्टेट चेंज हो जाएगा कि ये प्लस वी सेचुरेशन है, तो ये प्लस वी सेचुरेशन अब कहां आ जाएगा, दिस विल इस पॉइंट पे दिस विल इंटर इनटू द माइनस वी सेचुरेशन, ये चला जाएगा माइनस वी सेचुरेशन, और कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। दिस इज द आइडिया फॉर द सर्किट, सर्किट का ये आइडिया है ना कि ये चार्ज हो रहा है, फिर क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, तो फिर चार्जिंग स्टॉप हो गई, तो आपने कोई ट्रिगर नहीं लगाया, फिर भी ये कहां से कहां जंप हो गया, ये जंप हो गया प्लस वी सेचुरेशन से माइनस वी सेचुरेशन, है ना। बट मैंने आपको बताया है कि इनके आंसर कहां देखना है हमें, इसके आंसर हमें देखना है स्टडी स्टेट में, तो कैसे देखेंगे, लेट्स टॉक कैसे देखेंगे, देखें जरा। अब फिर से कहानी लिखते हैं इस पूरे वेवफॉर्म की, अब क्या कहानी बनेगी इस पूरे वेवफॉर्म की, जरा देखें कि नाउ
दिस इज अवर सर्किट। थोड़ा डिटेल में समझें इसको, क्वेश्चंस आते हैं इसके से। एंड दिस इज माइनस आर 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 वी आउटपुट दिस इज सी एक्स दिस इज आर एक्स, है ना। अब क्या कहानी है कि फर्स्ट साइकिल में होने के बाद यहां का जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल देखो, अब ये पोटेंशियल कितने पे आ गया है, ये पोटेंशियल आ गया है वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू पे, ध्यान रखें इसका, वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू। और स्टेट चेंज हो चुकी है, स्टेट चेंज होने की वजह से यहां का पोटेंशियल कितना आ चुका है, माइनस वी सेचुरेशन। और जिस मोमेंट पे यहां माइनस वी सेचुरेशन होगा, उसी मोमेंट पे यहां का पोटेंशियल, दो रेजिस्टेंस लगे हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। यहाँ वर्चुअल ग्राउंड वाली बातें नहीं चलेगी, वर्चुअल ग्राउंड तो बहुत ट्रिवियल कॉन्सेप्ट है ना, बहुत आइडियल कंडीशन में यू कैन अप्लाई द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो दिस इज द टोटल आइडिया फॉर द सर्किट। अब हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, जरा इसको हम देखते हैं, है ना। सो व्हाट आई कैन से, दिस इज माय वी आउटपुट। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि फिर से, अब कैपेसिटर किससे चार्ज होना स्टार्ट करेगा, माइनस वी सेचुरेशन से। तो फिर कहानी लिखते हैं, लेट्स से दिस इज वी एक्स और या वी माइनस, वी एक्स और वी माइनस कैसे लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल एन टू वी एक्स ऑफ इंफिनिटी फाइनल वैल्यू प्लस वी एक्स ऑफ जीरो प्लस माइनस वी एक्स ऑफ इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, एंड टाउ इज व्हाट, आर एक्स इंटू सी एक्स। अब ध्यान रखें, अब इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है, व्हाट इज इनिशियल कंडीशन नाउ, यू कैन से नाउ इनिशियल कंडीशन इज इनिशियल कंडीशन इज दिस, ये है इनिशियल कंडीशन। तो वी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि कैपेसिटर है तो इट विल टेक फाइनाइट टाइम, तो वी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी एक्स ऑफ इंफिनिटी, वी एक्स ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है, माइनस वी सेचुरेशन। सो व्हाट आई कैन से, दिस इज माइनस ऑफ वी सेचुरेशन प्लस वी एक्स जीरो प्लस, वी एक्स जीरो प्लस का वैल्यू कितना हुआ कि वी एक्स जीरो प्लस रिप्रेजेंट्स इनिशियल कंडीशन विच इज वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू, माइनस वी एक्स ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना हुआ, माइनस माइनस वी सेचुरेशन, तो ये हुआ दिस एन ई टू द पावर माइनस टी बाय आर एक्स इंटू सी एक्स। ये किसका इक्वेशन आया, ये आया द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। चलो ठीक है, देखते हैं। तो व्हाट आई कैन से, वी एक्स ऑफ टी इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ वी सेचुरेशन एंड दिस पोटेंशियल विल बी प्लस थ्री बाय टू वी सेचुरेशन इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर एक्स इंटू सी एक्स। दिस इज द टोटल आइडिया फॉर द सर्किट, ये सर्किट का टोटल आइडिया है। नाउ व्हाट आई कैन से व्हेन आई पुट टी इक्वल टू जीरो, सो वी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो, जैसे ही मैंने टी इक्वल टू जीरो रखा, मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज माइनस वी सेचुरेशन एंड दिस इज थ्री बाय टू वी सेचुरेशन, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू। और जैसे ही मैं लिखता हूं वी एक्स एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, वॉट आई कैन से,
माइनस वी सेचुरेशन विल रिमेन एज इट इज, और ये पार्ट कितना हो जाएगा इंफिनिटी पे, ये पार्ट हो जाएगा जीरो. अब जर्नी कहां से कहां तक जाएगी, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैपेसिटर इज वी सेचुरेशन बाय टू एंड फाइनल पॉइंट इज माइनस वी सेचुरेशन बाय टू. चलो करते हैं ड्रॉ. और अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग के रूल भी क्या बनेंगे, अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग के रूल ये बनेंगे, वी आउटपुट इज इक्वलेंट टू वी प्लस विच इज वी सेचुरेशन बाय टू माइनस वी प्लस, और वी प्लस का वैल्यू कितना है, वी प्लस का वैल्यू है इस बार माइनस वी सेचुरेशन बाय टू. ओके दिस इज माइनस वी सेचुरेशन बाय टू माइनस वी एक्स या वी माइनस इंटू एओएल. अब आप देखें कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ये कहां रहेगा, प्लस वी सेचुरेशन पे, और अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो रहा तो व्हाट विल बी द आउटपुट, माइनस वी सेचुरेशन. चलो अब माइनस वी सेचुरेशन पे तो सर्किट है, अब इसको ग्रेटर देन जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट चेंज करना है, तो माइनस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू माइनस वी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू प्लस वी एक्स शुड बी लेस देन जीरो, सो वी एक्स शुड बी लेस देन माइनस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू. दिस इज द टोटल आइडिया फॉर द सर्किट, कि अगर वी एक्स माइनस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू से नीचे जाएगा तो ही स्टेट चेंज होगी, और जा सकता है या नहीं जा सकता है, हमने ये देखा कि भैया इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, फाइनल पॉइंट इज माइनस वी सेचुरेशन. सो प्लस वी सेचुरेशन बाय टू से माइनस वी सेचुरेशन बाय टू के, माइनस वी सेचुरेशन के बीच में माइनस वी सेचुरेशन बाय टू तो आता ही आता है. तो देखो अब फिर से हम आउटपुट लिखते हैं इसका, कैसा बनेगा आउटपुट जरा इस पे गौर करें, कि इन दैट केस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज होके कहां जाएगा, माइनस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू, और ये पॉइंट कौन सा था, प्लस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू, और ये फाइनल पॉइंट है जो कि माइनस वी सेचुरेशन है. तो ये डिस्चार्ज होते 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 यहां जाएगा, और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा फिर क्या होगा, फिर स्टेट विल चेंज, और स्टेट कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी. तो आप देख रहे हैं दिस ड्रामा विल रिपीट इटसेल्फ. और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो ट्रांजिएंट में, ट्रांजिएंट टाइम में ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज जो चार्जिंग हुआ है वो जीरो टू वी सेचुरेशन बाय टू तक हुआ है. बट आप ध्यान रखें इन ऑसिलेटर सर्किट्स और एनी सर्किट हैविंग कैपेसिटर और इंडक्टर एज ए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, तो उसका आंसर स्टडी स्टेट में दिया जाता है. तो आप ध्यान रखें स्टडी स्टेट में, देखो ये कहां किसके बीच में ऑसिलेट करता है, दिस विल ऑसिलेट फ्रॉम वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू टू माइनस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू, इन दोनों के बीच में क्या करेगा वो, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, इन दोनों स्टेट के बीच में ऑसिलेट करेगा. तो ध्यान रखें है ना, इसका आंसर आपको ट्रांजिएंट में नहीं देना है ना, इसके बाद वाली स्टेट का एनालिसिस भी सेम है बट इसका आंसर ट्रांजिएंट में नहीं देना है, कहां देना है आपको, स्टडी स्टेट में देना है. अब दूसरी बात, एक और बात ये कि भाई इस टी वन और टी टू का वैल्यू क्या होगा, है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन द टाइम पीरियड ऑफ दिस टी वन एंड टी टू, इस टी वन और टी टू का वैल्यू सर्किट के लिए क्या होगा, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो जरा निकालने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई है अनिकेत, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, सो दिस इज द आइडिया फॉर, दिस इज द आइडिया फॉर अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर.
सो व्हाट आई कैन से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू? तो जरा देखें टी वन और टी टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन फॉर, कैलकुलेशन फॉर टी वन एंड टी टू, कैलकुलेशन फॉर टी वन एंड टी टू, टी वन एंड टी टू का कैलकुलेशन करते हैं. देखो जरा कैसे करेंगे कैलकुलेशन. क्या बोल सकता हूं मैं कि आई हैव दिस, कि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है इसका. तो क्या बोलूंगा मैं कि जब ये डिस्चार्जिंग का जो इक्वेशन है ये माइनस वी सेचुरेशन बाई टू को कट करेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ टी वन, है ना. तो व्हाट आई कैन से, डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या था हमारे पास? आप बोलेंगे सर डिस्चार्जिंग का इक्वेशन था कितना, इट्स इट्स डिस्चार्जिंग का जो इक्वेशन था वो था मेरे पास माइनस वी सेचुरेशन प्लस थ्री बाय टू वी सेचुरेशन इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर एक्स इंटू सी एक्स. जब ये माइनस वी सेचुरेशन को कट करेगा, वी सेचुरेशन बाय टू को कट करेगा, दिस इज ओनली पॉसिबल एट टी इक्वल टू टी वन. वो पॉइंट केवल कौन सा है? टी इक्वल टू टी वन वो पॉइंट है. तो दिस इज द आइडिया. अब कैसे देखेंगे इसको जरा देखें. व्हाट आई कैन से, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 by 2 V saturation into e to the power minus T1 divided by Rx Cx is equivalent to V saturation divided by 2. ये हुई कहानी, है ना. अब क्या कर सकते हैं, this V saturation and V saturation is cancelled, this 2 and this 2 is also cancelled. तो कितना बचा, e to the power minus t1 divided by rx cx is equivalent to 1 by 3. और क्या बोल सकते हैं हम, now what I can say, minus t1 divided by rx cx is equivalent to log of 1 by 3. या मैं क्या बोल सकता हूं आपको कि the value of T1 for the circuit is Rx Cx log of 3. So this is the time when your circuit will stay at positive saturation. For this time duration, for T1 time duration, circuit will stay at positive saturation, है ना. T1 time duration वो time duration है जितने time के लिए circuit कहां stay करेगा, सर्किट विल स्टे एट पॉजिटिव सेचुरेशन, है ना. ये सर्किट कहाँ स्टे करेगा, पॉजिटिव सेचुरेशन पे स्टे करेगा, है ना. और टी टू टाइम ड्यूरेशन के लिए कहाँ स्टे करेगा, सर्किट चला जाएगा नेगेटिव सेचुरेशन पे. ओके चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. इस टॉपिक पे हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस. लेट्स टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ठीक है. ओके दिस इज द क्वेश्चन.
दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 10 किलो ओम, दिस इज -10 वोल्ट, दिस एंड वी आर हैविंग वन स्विच हियर, वी आर हैविंग वन स्विच हियर एंड दिस अरेंजमेंट इज गिवन. दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 1K, दिस इज 4K, दिस इज 0 वोल्ट एंड दिस इज V out. This is the total story. What else is given? This is 5 volt. The upper saturation is 5 volt. अब ध्यान रखें यहाँ positive feedback है तो this op amp will always saturate. और ध्यान रखें जो negative है उस पे उसने charging discharging का mechanism connect किया हुआ है. Capacitor का value है 100 microfarad. ठीक है. And minus V saturation is -5 volt. This is the total story for the circuit. ये पूरे circuit की कहानी है, है ना? Circuit इस तरीके का कुछ circuit है. अब कैसे work करेगा? जरा देखते हैं, है ना? तो मैं लिखता हूँ the basic equation for the op amp, है ना? What is V out for the op amp? Let's see. V out for the op amp is given by V plus minus V minus into AOL. क्वेश्चन क्या पूछा है? What is time required for this circuit, है ना, to change the state, है ना? Time required for the circuit to change the state, है ना? सर्किट को स्टेट चेंज करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी? और दो जीनर डायोड दिए हैं, वो जीनर डायोड हैं कितने? दिस जीनर डायोड्स आर 5 वोल्ट जीनर डायोड, मींस 5 वोल्ट जब इसके अक्रॉस रिवर्स बायस पोटेंशियल होगा तो दिस डायोड विल इंटर इनटू द ब्रेकडाउन रीजन. तो ये कहां इंटर करेंगे? ब्रेकडाउन रीजन में इंटर करेंगे. ठीक है, अब हाउ दिस विल वर्क, लेट्स सी. कि जो ओपैम का सेचुरेशन है, लेट मी करेक्ट इट, ये सेचुरेशन है 10 वोल्ट एंड दिस इज माइनस वी सेचुरेशन इज आल्सो -10 वोल्ट, है ना? यहां मुझे थोड़ा ओके. तो आप क्या बोलोगे सर, ओपैम प्लस वी सेचुरेशन में होगा या माइनस वी सेचुरेशन में, कैसे पता चलेगा? चलो ठीक है, देख लेते हैं. What is V out? V out is written by V plus. V plus का value कितना है अभी? ये V plus है. तो V plus के value को मैं V plus ही लिख देता हूँ. I don't care what V plus is. But what is V minus? कि T zero minus पे switch close था और ये close था तो ये 10 volt का copy यहाँ कर देगा. क्योंकि short circuit से potential same हो जाएगा. तो V minus is equivalent to 10 volt into AOL. अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी प्लस. तो आप बोलेंगे सर वैल्यू ऑफ वी प्लस कि यहां अगर 10 वोल्ट आया तो ये ब्रेकडाउन में चला जाएगा डायोड और कितना वोल्ट फिक्स कर देगा? 5 वोल्ट. 5 वोल्ट हुआ तो यहां कितना? 4, और यहां इसको मिल जाएगा 1, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाय 5 के 1 मिली एम्पियर करंट. तो यहां का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट.
तो अगर मैं यहाँ 1 वोल्ट लिखता हूँ वी प्लस का वैल्यू, सो व्हाट आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ वी प्लस? तो आप बोलोगे सर वी आउटपुट की दो पॉसिबिलिटीज है, 5 वोल्ट या -5 वोल्ट। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये तो 10 वोल्ट या -10 वोल्ट होना चाहिए। टू दैट माई रिस्पॉन्स इज कि दिस डायोड विल एंटर इनटू द ब्रेकडाउन, तो ये 5 वोल्ट को फिक्स कर देगा, फिर पोटेंशियल ना बढ़ने देगा ना घटने देगा। ठीक है, नाउ वी प्लस का वैल्यू कितना हुआ? तो वी प्लस का वैल्यू तो हुआ 1 वोल्ट। अगर वी प्लस का वैल्यू 1 वोल्ट है तो व्हाट आई कैन राइट, आई कैन से वी आउटपुट हमेशा या तो वी प्लस 1 वोल्ट होगा या -1 वोल्ट होगा, और दोनों केस में -10 तो ज्यादा ही है, और ज्यादा ही है तो व्हाट आई कैन से द आउटपुट विल बी -5 वोल्ट। इसका आउटपुट कितना होगा? इसका आउटपुट हो जाएगा -5 वोल्ट, है ना, इस बात को ध्यान रखें, आउटपुट विल बी -5 वोल्ट, -5 वोल्ट होगा इसका आउटपुट। नाउ अब कैसे काम करेगा सर्किट, लेट्स सी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इनिशियल कंडीशन है -5 वोल्ट। अब देखें व्हाट इज वी आउटपुट फॉर द सर्किट, वी आउटपुट, अब ये कैपेसिटर चार्ज होगा और वी माइनस पे चार्जिंग इसकी होगी। तो जरा देखें हाउ इट विल वर्क, क्या कर दिया मैंने, नाउ आई एम रिप्लेसिंग इट बाय ओपन सर्किट, टी जीरो प्लस पे तो ओपन कर दिया है, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को मैं लिख देता हूं लेट से Vx। तो आप बोलेंगे कि सर ठीक है Vx का वैल्यू लिख देते हैं, और Vx कैसा हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू Vx का कितना है, इनिशियल वैल्यू Vx का है, Vx का जो इनिशियल वैल्यू है इसके अक्रॉस क्या कनेक्टेड था, एक शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड था, तो इनिशियल वैल्यू है Vx का जीरो। तो मैं Vx एट जीरो प्लस को कितना लिख देता हूं, Vx एट जीरो प्लस इज 0 वोल्ट। Vx का जीरो प्लस पे वैल्यू कितना है, 0 वोल्ट वैल्यू है। ठीक है, नाउ अब Vx ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा, Vx ऑफ इंफिनिटी, दो ही की तो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलेंगे कि यस द टॉप इज 10 वोल्ट, देन वी आर हैविंग वन ओपन सर्किटेड वोल्टेज, ये है Vx ऑफ इंफिनिटी, देन ये है 10k और ये है -10k, 10 वोल्ट नॉट के, तो आप क्या बोलेंगे, लेट सप्लाई द केवीएल, ये पोटेंशियल 10 वोल्ट हुआ, तो 10 वोल्ट माइनस Vx ऑफ इंफिनिटी यहां आ गए, और फिर ओपन सर्किट में नो करंट अक्रॉस 10 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू जीरो, तो Vx ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ठीक है Vx ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 20 वोल्ट, Vx ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू हो गया 20 वोल्ट, Vx ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू हमने कर दिया कितना 20 वोल्ट। चलो अब इक्वेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन, तो हम बोलेंगे कि Vx द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय Vx ऑफ इंफिनिटी विच इज 20 वोल्ट प्लस V0 प्लस विच इज 0 वोल्ट माइनस Vx ऑफ इंफिनिटी 20 वोल्ट इंटू e to the power -t बाय Rx इंटू Cx, एंड यू नो दैट Rx इंटू Cx इज अ टाइम कॉन्स्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 10^4 10k एंड 10^-6 100 माइक्रोफेरेड मींस 10^2 इंटू 10^-6, दिस इज द आइडिया, और ये कैंसिल हुआ तो प्लस 6 एंड माइनस 6 कैंसिल, तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया है 1 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया हमने 1 कर दिया, एंड थिंग्स आर स्मूथ नाउ, Vxt का वैल्यू आ गया। लेकिन ध्यान रखें हमको कंपैरिजन Vxt से नहीं करना है, बिकॉज ये नहीं, मुझे तो V माइनस से मतलब है। तो आप क्या बोलेंगे कि V माइनस इज इक्वल टू, आपने अप्लाई कितना किया था 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट में तो कितना माइनस कर दें आप, माइनस Vx ऑफ t, तो क्या मिल जाएगा आपको, V माइनस मिल जाएगा। तो आई कैन से V माइनस इज इक्वल टू 10 माइनस, मैं लिख देता हूं इसको, इट इज V माइनस, एंड V माइनस इज इक्वल टू 10 माइनस 20 माइनस 20 इंटू e to the power -t, और आई कैन से V माइनस इज इक्वल टू 10 माइनस 20 इज माइनस 10 प्लस 20 इंटू e to the power -t।
अब बताओ v माइनस का वैल्यू कितना होगा, तब स्टेट चेंज होगी, तो आप बोलोगे सर कि जब ये वैल्यू किसको क्रॉस करेगा, अभी माइनस वन है तो ये वैल्यू जब माइनस वन को क्रॉस करेगा, अभी भी देखें आप कि इसका इनिशियल वैल्यू है कितना माइनस टेन और फाइनल वैल्यू कितना है प्लस टेन, तो माइनस टेन से प्लस टेन के बीच में वन आता है क्या, माइनस वन, यस बिल्कुल आता है। तो वेन वी माइनस का वैल्यू माइनस वन के इक्वल होगा तब ये अपनी स्टेट चेंज कर देगा, तो कितना लिख दूं माइनस टेन प्लस ट्वेंटी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, यू कैन से 20 इंटू ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू 9, ई टू द पावर माइनस टी इक्वल टू 9 बाय 20, या मैं क्या बोलूं टी माइनस टी इक्वल टू लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 20, या टी को क्या बोल दूं मैं लॉग ऑफ 20 बाय 9, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय दिस सर्किट टू चेंज द स्टेट, है ना, इस सर्किट को स्टेट चेंज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम है टी इक्वल टू 20 बाय लॉग ऑफ 20 बाय 9। सो दिस इज द आइडिया फॉर द सर्किट, सर्किट कैसे काम करेगा, ऐसे सर्किट काम करेगा, है ना। नाउ लेट्स टेक अ न्यू आइडिया, एंड न्यू आइडिया फॉर विच मल्टीवाइब्रेटर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ऑल्सो नोन एज वेरी पॉपुलर सर्किट शिमिट ट्रिगर, है ना, बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। The next circuit is bistable multivibrator, है ना, bistable multivibrator कैसे काम करेगा इसके बारे में हम बात करते हैं ना, how bistable multivibrator works, and this is very basic circuit, है ना, बड़ा popular circuit है जिसको आप Schmitt trigger के नाम से जानते हैं, है ना। So how this work, let's see कि this is my op-amp based bistable multivibrator, also known as Schmitt trigger. Schmitt trigger, है ना, कैसे काम करेगा, लेट से कि दिस इज माई सर्किट, v माइनस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दिस इज आर वन, लेट से दिस इज आर टू, एक बात ध्यान रखें वी आर यूजिंग द पॉजिटिव फीडबैक, एंड लेट से टू अंडरस्टैंड दिस, लेट से सप्लाई इज कनेक्टेड टू जीरो, सप्लाई इज कनेक्टेड टू जीरो मीन्स वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे विद दिस, आई वॉन्ट टू कन्वे विद दिस दैट द एसी सप्लाई इज जीरो, है ना, बाइसिंग इज रिक्वायर्ड, ध्यान रखें सप्लाई जीरो का मतलब बाइसिंग इज रिक्वायर्ड, दिस इज माइनस ऑफ वी सेचुरेशन, दिस इज प्लस वी सेचुरेशन, एंड दिस इज वी आउट, दिस इज द टोटल आइडिया फॉर द सर्किट, दिस इज बेसिक बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, और ये कैसे काम करता है लेट्स सी। है ना, जरा देखें आप ये हाउ दिस विल वर्क, अब व्हाट इज आउटपुट ऑफ द सर्किट, मैं बोलूंगा वी आउटपुट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय वी प्लस माइनस वी माइनस इनटू एओएल, और हम इसको कैसे देखेंगे, हम इसको देखेंगे बाय यूजिंग द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसके लिए बनाएंगे जैसे हमने डायोड सर्किट के लिए बनाया था फॉर द कंप्लीट एनालिसिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम यहां भी बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स,
ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि नाउ नाउ मुझे एक ट्रिगर लगाना पड़ेगा, है ना, कि बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कितने ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होती है ना, वी नीड ए ट्रिगर। तो मैं क्या करता हूं, यहां लगा देता हूं एक ट्रिगर। तो इस ग्राउंड को रिमूव किया एंड आई एम कनेक्टिंग अ ट्रिगर पोटेंशियल, है ना, ले लेता हूं इसको कुछ भी, यू कैन टेक एनी ट्रिगर। ये मैंने ले लिया ट्रिगर। नाउ व्हाट इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स और कर्व बिटवीन वी आउट एंड वी ट्रिगर, इन दोनों के बीच का जो कर्व होगा दैट कर्व विल बी द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट, है ना, ये होगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। अब हाउ दिस विल वर्क, मैं मान लेता हूं कि, है ना, जब भी डीसी फ्लो होगा देयर विल बी सम नॉइस इन द सर्किट, और कुछ नॉइस हो गया तो ये प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन पे सेट होगा, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से वी आउटपुट इज इक्वलेंट टू वी सैचुरेशन, वी आउटपुट का वैल्यू कितना है, वी सैचुरेशन, और जैसे ही वी आउटपुट का वैल्यू वी सैचुरेशन है, है ना, जैसे ही मैंने बोला कि लेट्स से ड्यू टू नॉइस और सम वोल्टेजेस द आउटपुट इज वी सैचुरेशन, और माइनस वी सैचुरेशन भी मान लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें ना, बिकॉज वी लुक एट द सर्किट इन स्टेडी स्टेट। ओके, सो यू कैन से दिस इज वी सैचुरेशन डिवाइडेड बाय, है ना, लेट से आर वन इज इक्वलेंट टू आर टू इज इक्वलेंट टू आर। अगर आपको ड्यूटी साइकिल चेंज करना है तो एनालिसिस का तरीका यही होगा, यू कैन चेंज द ड्यूटी साइकिल, है ना। सो व्हाट इज वी आउटपुट ऑफ द सर्किट, तो अभी वी आउटपुट ऑफ द सर्किट को मैंने मान लिया कि लेट दिस इज वी सैचुरेशन, तो आप क्या बोलोगे, वी आउटपुट इज कहां से आया वी सैचुरेशन, इट इज वी प्लस विच इज वी सैचुरेशन डिवाइडेड बाई टू माइनस वी ट्रिगर इंटू एओएल। This is the equation for the circuit. कि output कैसा दिखेगा, तो output ऐसा दिखेगा। Now, what I can say, V out is equivalent to V saturation divided by 2 minus V trigger into AOL, है ना? अब देखें V trigger, अब मैं बोलूं कि ये मेरा जो सर्किट है वी सैचुरेशन पे, दिस सर्किट इज राइट नाउ इट इज वी सैचुरेशन, तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू रेंज ऑफ टीआर, द ट्रिगर वोल्टेज का रेंज कितना होगा तब ये वी सैचुरेशन पे होगा, तो आप बोलेंगे माइनस इंफिनिटी ले लो आप यहां, है ना, मैथमेटिकली, है ना, माइनस इंफिनिटी कुछ होता नहीं, मैथमेटिकली आपने इसको कितना ले लिया, माइनस इंफिनिटी टू ले लिया, कहां तक, टू वी सैचुरेशन बाय टू, और ये वो पॉइंट है जहां तक आउटपुट विल स्टे एट प्लस वी सैचुरेशन। आउटपुट कहां स्टे करेगा, प्लस वी सैचुरेशन पे स्टे करेगा, और है ना, ये तो पहला केस था, व्हेन व्हेन दिस इज द लेट वी आउट इज इक्वलेंट टू प्लस वी सैचुरेशन, लेट वी आउट इज इक्वलेंट टू वी सैचुरेशन। है ना, हाउ दिस सर्किट विल वर्क, तो हम देख सकते हैं कि जब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये वी सैचुरेशन होगा, और लेस देन जीरो होगा तब कहां होगा, माइनस वी सैचुरेशन। अब आप क्या समझते हैं, अगर मैंने माइनस वी सैचुरेशन को कॉमन लिया
तो माइनस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू प्लस वी ट्रिगर वोल्टेज आया। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि वी ट्रिगर का वैल्यू जब वी सेचुरेशन बाय टू से, या मैं ऐसा बोलूं माइनस वी सेचुरेशन बाय टू से ज्यादा ना हो जाए, तब तक ये कितने पे रहेगा, माइनस वी सेचुरेशन पे, प्लस है ना, फिर प्लस वी सेचुरेशन पे चला जाएगा। तो व्हाट आई कैन से, माइनस वी सेचुरेशन बाय टू से टू इंफिनिटी तक ये कहाँ रहेगा, दिस सर्किट विल स्टे एट माइनस वी सेचुरेशन। तब हो गया काम हमारा। हाउ वी विल से, हाउ वी विल ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सर्किट, मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन से ये वी ट्रिगर है और ये क्या है, वी आउटपुट। एंड व्हाट आई कैन से, हमारा जो वी आउटपुट है वो दैट कैन स्विंग बिटवीन टू वोल्टेजेस, इधर प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन, या तो ये कहाँ रहेगा, इधर दिस विल स्टे एट वी सेचुरेशन और दिस विल स्टे एट माइनस वी सेचुरेशन। या तो ये प्लस वी सेचुरेशन पे रहेगा या माइनस वी सेचुरेशन पे रहेगा। अब हमने क्या देखा, माइनस वी इंफिनिटी टू वी सेचुरेशन बाय टू तक ये रहेगा प्लस वी सेचुरेशन पे, तो ठीक है हम बना लेते हैं इसको कि दिस पॉइंट इज वी सेचुरेशन बाय टू, और माइनस इंफिनिटी मीन्स दिस पॉइंट, तो यहां से यहां तक इन दिस रेंज ऑफ वैल्यू ये कहां रहेगा, प्लस वी सेचुरेशन पे। सो यू कैन से और जैसे ही वैल्यू वी सेचुरेशन बाय टू से बड़ा, ये कहाँ चला जाएगा, माइनस वी सेचुरेशन पे चला जाएगा। तो मैं कर्व बना देता हूँ ऐसे ऐसे, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, दिस इज द फ्लो ऑफ वोल्टेजेस के माइनस वी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस वी सेचुरेशन बाय टू तक गए, तो दिस इज द आइडिया फॉर द सर्किट। अब जरा देखें आगे, व्हाट आई कैन से कि मुझे एक और लिमिट है मेरे पास, माइनस वी सेचुरेशन बाय टू टू इंफिनिटी, अच्छा माइनस इंफिनिटी, ओके ये आ गया पॉइंट मेरे पास माइनस वी सेचुरेशन बाय टू। अच्छा इस कर्व में एक प्रॉब्लम है, देखो कैसे, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। देखो मैंने क्या मिस्टेक किया, यहां क्या बनाने में मिस कर दिया, लेट्स सी। क्या था ये, माइनस इंफिनिटी टू वी सेचुरेशन बाय टू, है ना, तो ये पॉइंट है माइनस इंफिनिटी, दिस पॉइंट इज प्लस इंफिनिटी, ठीक है, और इंफिनिटी टू ये इंफिनिटी, इंफिनिटी टू माइनस वी सेचुरेशन बाय टू, तो ये रहेगा इस रेंज में, है ना, स्टेट चेंज करने की डायरेक्शन में हमको फ्लो बनाना है, और माइनस इंफिनिटी टू प्लस वी सेचुरेशन बाय टू, तो माइनस इंफिनिटी मींस दिस पार्ट ऑफ द कर्व, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं।
है, तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, तो ये कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो ये किस कौन सा कर्व है इसका, दिस इज द कर्व फॉर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की। एक एक्सिस पे अगर हम वी आउट डालें, एक एक्सिस पे अगर हम वी इनपुट या ट्रिगर वोल्टेज डालें, तो दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बाईस्टेबल सर्किट, बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आप देखें दोनों पॉइंट पे ट्रिगर की रिक्वायरमेंट होगी, इन दोनों की विड्थ भी आप चेंज कर सकते हो। दिस इज द विड्थ ऑफ द ट्रांसफर कर्व, है ना, दिस इज द विड्थ ऑफ द ट्रांसफर कर्व, इसका विड्थ ये है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस मल्टी वाइब्रेटर को जब आपने ट्रिगर किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल को, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्टिंग, दिस इज इन्वर्टिंग मल्टी वाइब्रेटर, है ना, दिस इज इन्वर्टिंग दिस इज इन्वर्टिंग मल्टी वाइब्रेटर। अब कौन सा आएगा, द नेक्स्ट इज व्हेन यू कनेक्ट ट्रिगर एट नॉन इन्वर्टिंग एंड, जरा उसको भी देख लेते हैं। दिस इज अवर सर्किट, ये हमारा सर्किट है ना, एंड दिस इज प्लस माइनस, यू हैव फीडबैक आर आर, दिस इज वी आउट, दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दिस इज वी ट्रिगर, है ना, ये सर्किट है। एंड व्हाट आई कैन से, दिस इज प्लस वी सेचुरेशन एंड दिस इज माइनस वी सेचुरेशन, दिस इज द टोटल आइडिया फॉर द सर्किट, ये सर्किट का टोटल आइडिया है। अब स्टेट कैसे चेंज होगी जरा देखते हैं, हाउ ट्रिगर विल चेंज द स्टेट। तो हम लिख देते हैं व्हाट इज वी आउटपुट, तो यू कैन से वी आउटपुट फॉर द सर्किट इज गिवन बाय वी प्लस माइनस 0 इंटू AOL, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी प्लस, यू कैन से वी आउट माइनस ग्राउंड, वी आउट माइनस वी ट्रिगर डिवाइडेड बाय 2R। सो यू कैन से करंट इन द सर्किट इज, इस डायरेक्शन में जो फ्लो होने वाला करंट है, दैट इज वी आउट माइनस वी ट्रिगर डिवाइडेड बाय दो रेजिस्टेंस जो सीरीज में आते हैं, और वी प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू कैन से वी प्लस, तो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस डायरेक्शन, तो वी आउट माइनस वी ट्रिगर डिवाइडेड बाय 2, सो वी आउट माइनस वी ट्रिगर डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2R into R इज कैंसिल। तो व्हाट इज वी प्लस, यू कैन से वी प्लस का वैल्यू हो जाएगा वी ट्रिगर दिस पोटेंशियल, एंड माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो प्लस दिस पोटेंशियल, वी आउट माइनस वी ट्रिगर डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट आई कैन से, वी प्लस इज इक्वल एन टू वी ट्रिगर माइनस वी ट्रिगर बाय 2 इज व्हाट, वी ट्रिगर बाय 2 प्लस वी आउट बाय 2, है ना। नाउ यू आर हैविंग द डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड व्हाट इज चॉइसेस फॉर वी आउटपुट, यू कैन से द टू चॉइसेस फॉर वी आउटपुट इज ईदर वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशंस आर द टू चॉइसेस फॉर द वी आउटपुट सर्किट। सो यू कैन से वी आउटपुट विल बी वी प्लस, वी ट्रिगर बाय 2, है ना, इफ वी टेक प्लस वी सेचुरेशन बाय 2, दिस इज वन ऑफ द आइडिया, एंड वी प्लस कैन बी, है ना, अल्टरनेट आइडिया इज व्हाट, वी ट्रिगर बाय 2 माइनस ऑफ वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2, है ना, दिस आर टू अल्टरनेटिव आउटपुट ऑफ द सर्किट, ये सर्किट के दो आउटपुट होंगे। क्या इस पॉइंट तक बात समझ में आई,
ओके नेक्स्ट सर्किट इज ए मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, है ना। अगला जो सर्किट है मेरे पास कौन सा है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सर्किट फॉर द एनालिसिस इज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, देखते हैं हाउ इट विल वर्क। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देखते हैं जरा ये कैसे काम करता है। सो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगल शॉट और वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस इज वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, कैसे काम करता है लेट्स सी। है ना, सर्किट एज इट इज है, आप ध्यान रखें सर्किट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बड़ा सर्किट है, देखो एज इट इज लिख रहा हूं मैं सर्किट, है ना। दिस इज कनेक्टेड टू ग्राउंड एंड एक ट्रिगर मैकेनिज्म है, तो दिस इज माय आरएक्स, है ना, जो कहा था जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में था। देन वी आर हैविंग वन सीएक्स, ये सीएक्स है, और एक में लगा देता हूँ क्लैम्प्ड डायोड, है ना। ये डायोड क्या करेगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल को 0.7 वोल्ट से बढ़ने नहीं देगा। अब क्या करना है, ये तो सर्किट वैसा ही हो गया जैसा कि मेरा बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर था। नाउ आई विल एड वन ट्रिगर, तो ट्रिगर कैसे एड करेंगे देखें जरा, कि वी विल यूज वन डिफरेंशिएटर। है ना, और ये कौन सा सर्किट है, वी ट्रिगर। अब देखो ये सर्किट कैसे काम करता है ना, जरा इसका स्टेबल स्टेट पता करने की कोशिश करते हैं। दिस इज वी आउटपुट, मैंने बोला कि इसका स्टेबल स्टेट कितना होगा, तो आपका बेसिक आंसर होगा कि सर द स्टेबल स्टेट फॉर दिस सर्किट वी आउट इज गिवन बाय, एंड अगेन आई एम टेकिंग आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, दिस इज माई अजम्पशन, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस वेरी इजीली। और ये जो सर्किट है दिस सर्किट इज नोन एज ट्रिगर सर्किट। ये कौन सा सर्किट है, दिस सर्किट इज ए ट्रिगर सर्किट। कौन सा सर्किट है, दिस इज डिफरेंशिएटर, दिस सर्किट इज नोन एज डिफरेंशिएटर सर्किट, है ना। हाउ दिस सर्किट विल वर्क, तो आप बोलोगे कि सर ओके द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू, है ना, विद द सेम लॉजिक। सो व्हाट इज वी आउटपुट, यू कैन से एंड वी सेचुरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्ट, तो 10/2 इज 5, है ना, इतना ध्यान रखिए आप। तो यू कैन से द वी आउटपुट फॉर द सर्किट इज वी प्लस माइनस वी माइनस इनटू एओएल। अब वी प्लस का वैल्यू कितना हुआ, वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी माइनस। अब ये सर्किट जब डायोड ऑन हुआ वैल्यू कितना है, पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का ये ड्रॉप हो गया इनटू एओएल, एंड व्हाट इज एओएल, एओएल इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन लूप में कैसा भी हो इट विल सेचुरेट। दिस इज द वी आउटपुट फॉर द सर्किट।
ये सर्किट का हुआ वी आउटपुट। अब कैसे काम करेगा ये देखते हैं। क्या ये स्टेट स्टेबल स्टेट नहीं है? बिल्कुल है। 5 माइनस 0.7 इज 4.3 एंड 4.3 इनटू AOL इज प्लस इनफिनिटी मींस दिस सर्किट इज ऑलवेज अ स्टेबल सर्किट। ये सर्किट कैसा हुआ? स्टेबल स्टेट हुई। अब स्टेट चेंज ही नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? कि जब तक मैं यहां एक यूनिट स्टेप इनपुट मैं न दे दूं, है ना। ये यूनिट स्टेप मैंने माइनस यूटी वी टी आर कितना लिया मैंने माइनस ऑफ यूटी, माइनस यूटी इनपुट में दिया तो यहां मेरे पास क्या बन जाएगा? माइनस यूटी का डिफरेंशिएशन इज माइनस डेल्टा टी। और जैसे ही मैंने ट्रिगर दिया तो अभी देखो स्टेबल स्टेट कौन सा हुआ। आई कैन से द स्टेबल स्टेट फॉर द सर्किट इज व्हाट? स्टेबल स्टेट फॉर द सर्किट इज वी सैचुरेशन। तो वी सैचुरेशन क्या हुआ? वी सैचुरेशन हुआ इसका स्टेबल स्टेट, है ना। आई कैन से स्टेबल ये क्या हुआ? स्टेबल स्टेट हुआ, है ना। और अभी स्टेबल स्टेट कितना ले लिया? वी सैचुरेशन इज स्टेबल स्टेट। अब कौन चेंज करेगा? कि देखो नाउ जब मैंने व्हेन टी इक्वल टू जीरो पे सपोज मैंने ट्रिगर अप्लाई किया, ट्रिगर अप्लाई करने पे सडनली वी माइनस वी प्लस टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा माइनस डेल टी। तो आउटपुट कितना हो जाएगा? आउटपुट विल बी माइनस डेल टी माइनस माइनस डेल टी माइनस 0.7 इंटू AOL। आउटपुट कहां का चला जाएगा? माइनस माइनस वी सेचुरेशन पे चला जाएगा। ये आउटपुट चला गया कहां? माइनस वी सेचुरेशन पे। कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखो अब क्या होता है कि जिस पास आउटपुट माइनस वी सेचुरेशन पे गया दिस कैपेसिटर विल ओपन। और जैसे ही आपने इंपल्स दिया था, इंपल्स तो t इक्वल टू जीरो प्लस में हट जाएगा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस वी सेचुरेशन बाई टू। अब देखो जरा कहानी क्या है। आउटपुट माइनस वी सेचुरेशन बाई टू, माइनस वी सेचुरेशन, वी प्लस का वैल्यू है माइनस वी सेचुरेशन बाई टू, और कैपेसिटर अब चार्ज होगा। और कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैसे होगा जरा देखें कि कैपेसिटर चार्ज के लिए इक्वेशन क्या है। वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा? माइनस वी सेचुरेशन प्लस वी एक्स ऑफ जीरो प्लस। व्हाट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर के लिए के पास इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज नहीं होता, सो यू कैन से दिस इज 0.7 माइनस माइनस वी इंफिनिटी, तो इतना हो जाएगा वी सेचुरेशन एंड ई टू द पावर माइनस टी बाय आर एक्स इंटू सी एक्स। दिस इज द टोटल आइडिया फॉर द सर्किट। इतना ही होगा। अब देखो कैसे काम करता है ये। अब ये काम करता है ऐसे। कैसे जरा देखें। व्हाट आई कैन से कि जब ये पोटेंशियल, अब इसका पोटेंशियल का वैल्यू देखो, वी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस वी सेचुरेशन। और वी एक्स एट टी इक्वल टू जीरो पे माइनस वी सेचुरेशन प्लस वी सेचुरेशन, वैल्यू कितना होगा टी इक्वल टू जीरो पे? 0.7। और टी इंफिनिटी पे वैल्यू है ना कैपेसिटर के अक्रॉस। तो क्या देखा हमने कि पोटेंशियल कहां कितना रहेगा? कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा 0.7 वोल्ट पे। और जैसे ही आपने ट्रिगर अप्लाई किया, जैसे ही आपने क्या किया, ट्रिगर अप्लाई किया, दिस पोटेंशियल विल स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। और ये कहां तक रिड्यूस होगा? सपोज दिस पॉइंट इज माइनस वी सेचुरेशन बाई टू, तो माइनस वी सेचुरेशन पाथ के टू के बाद रिड्यूस होके फिर कहां चला जाएगा? स्टेट नंबर वन पे आ जाएगा, है ना। दिस विल कम टू द स्टेट नंबर वन। ये पोटेंशियल आ जाएगा स्टेट नंबर वन पे। और स्टेट नंबर वन पे आने के बाद क्या है? स्टेट नंबर वन के आने के बाद फिर से स्टेबल हो गया। कि यहां वी आउटपुट कितना हो गया? वी सेचुरेशन, तो यहां हो गया प्लस वी सेचुरेशन। और ये डायोड क्या हो जाएगा? फिर से ऑन हो जाएगा। तो डायोड सर्किट इज ऑन।
तो यू कैन इजीली फाइंड दिस वैल्यू, है ना, इस सर्किट का वैल्यू कितना होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं. क्या निकालेंगे आप कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस टाइम टी, कि कितने टाइम तक ये सर्किट अनस्टेबल स्टेट में रहा. तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी दिस. क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए कि व्हेन वी एक्स इंटरसेक्ट माइनस वी सेचुरेशन बाय टू, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन टी इक्वल टू टी नॉट, है ना, या टी आर ट्रांजिशन टाइम कितना है. तो बस वी एक्स का वैल्यू इज अवेलेबल टू यू. वी एक्स इज व्हाट आई कैन से वी एक्स अवेलेबल है हमारे पास, तो कितना लिख दूं मैं, माइनस ऑफ वी सेचुरेशन प्लस 0.7 प्लस वी सेचुरेशन इंटू ई टू द पावर माइनस टी. अब टी को कितना लिख दें, टी आर डिवाइडेड बाय आर एक्स इंटू सी एक्स. इसका वैल्यू जब माइनस वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू इसके बराबर होगा, तो व्हाट आई कैन से, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन टाइम, कि कितने टाइम तक वो अनस्टेबल स्टेट में रहा, इस बात का मैं पता लगा सकता हूं. तो चलो लगा लेते हैं, अब तो मैथमेटिक्स बचा है. तो ये हो जाएगा 0.7 प्लस वी सेचुरेशन इंटू ई टू द पावर माइनस टी आर बाय आर एक्स सी एक्स इक्वल टू वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय टू. सो यू कैन से, क्या बोल सकते हैं हम, दैट वैल्यू ऑफ टी आर विल बी वी सेचुरेशन डिवाइडेड बाय 2.7 प्लस वी सेचुरेशन लॉग ऑफ दिस इनटू आर एक्स सी एक्स इज इक्वलेंट टू माइनस ऑफ टी आर. तो ये वो वैल्यू आ जाएगी इस टाइम तक, है ना, आफ्टर इन दिस ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन में सर्किट का, और ये इसका रेफरेंस टी इक्वल टू जीरो है, तो अनस्टेबल स्टेट का ड्यूरेशन भी कितना रहेगा, टी इक्वल टू जीरो. तो टी आर वो टाइम है इन दिस टाइम इंटरवल सर्किट विल स्टे एट माइनस वी सेचुरेशन. दिस इज द आइडिया, है ना, ये है सर्किट का टोटल आइडिया, इज हाउ दिस सर्किट विल वर्क. दिस इज द आइडिया सर्किट विल वर्क, है ना. और ये सिस्टम है, मल्टी वाइब्रेटर का कॉन्सेप्ट था जो आज हमने डिस्कशन में लिया है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी वाइब्रेटर. यू कैन डिजाइन द मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 टाइमर, पर इस बार वो सिलेबस में नहीं है. 555 टाइमर इज नॉट इन सिलेबस. इधर यू कैन अप्लाई और यू कैन हैव द अस्टेबल एंड बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग 555 सर्किट ऑल्सो. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, सो वी आर हैविंग वन क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के लिए बनाना है मुझे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन क्या है जरा देखें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टी वाइब्रेटर, है ना, देखें जरा. This is 1.2 kilo ohm resistance and
दिस इज 0.5 किलो ओम रेजिस्टेंस, है ना। दिस इज 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, दिस इज वी आई, दिस इज +10 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, है ना। एंड दिस इज वी आउट। दे आर आस्किंग फॉर, और ये डायोड जो बताए हैं ये आइडियल डायोड बताए हैं, एंड दे आर आस्किंग फॉर द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस सर्किट। इस सर्किट का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा, लेट्स सी। वन थिंग इज श्योर अबाउट दिस सर्किट, दैट आउटपुट ऑफ दिस सर्किट कैन बी ईदर +10 वोल्ट और -10 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट सर्किट का कितना होगा, इधर +10 वोल्ट और -10 वोल्ट। सो ओके, लेट्स से आई एम टेकिंग आउटपुट इज इक्वल टू +10 वोल्ट, और +10 वोल्ट के केस में विच सर्किट विल वर्क, आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे पास कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल, इसमें कोई करंट जाता नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें कोई करंट जाता नहीं है, तो ओपन सर्किट टेस्ट लगाएंगे तो इसके यहां होगा 10 वोल्ट, इस पॉइंट पे है 10 वोल्ट, इस पे है 0, तो ये कितना हो गया ऑफ और ये हो गया ऑन, ये 0 और ये 10, तो D2 इज ऑन, लेट्स से दिस इज D2, तो D2 डायोड कैसा हुआ, ऑन। तो करंट कितना बनेगा, यू कैन से द वी आउटपुट फॉर द सर्किट इज गिवन बाय वी प्लस माइनस वी माइनस इनटू AOL। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी प्लस, यू कैन से द वैल्यू ऑफ वी प्लस इज, सबसे पहले करंट निकाल लेता हूं मैं, इसका करंट कितना होगा, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5 के एंड 2 के, इट्स 2.5 के, तो करंट कितना हुआ, द करंट इज 4 मिली एम्पियर, करंट कितना हुआ 4 मिली एम्पियर, और 4 मिली एम्पियर से यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, द 8 वोल्ट इज पोटेंशियल ड्रॉप। सो व्हाट यू कैन से वी आउट फॉर द सर्किट इज वी प्लस विच इज 8 वोल्ट माइनस वी माइनस इंटू AOL, और वी माइनस कितना है, वी माइनस इज वी आई, वी माइनस का वैल्यू कितना है, तो वी माइनस इज वी आई। अब आप देखें कि वी आई किस रेंज से किस रेंज तक आउटपुट आपको 10 वोल्ट देगा, ये नंबर पॉजिटिव रहा तब तक मुझे 10 वोल्ट मिलेगा। सो व्हाट आई कैन से 8 माइनस वी आई लेस देन 0 और वी आई शुड बी लेस देन 8 वोल्ट, तो माइनस इनफाइनाइट टू 8 वोल्ट तक, ये वो वोल्टेज रेंज है जब तक आउटपुट कितने पे रहेगा, 10 वोल्ट पे रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी तो यही देखना है कि माइनस, आपको क्या करना है कि 8 वोल्ट से माइनस इंफिनिटी से 8 वोल्ट तक देखना है कि माइनस इंफिनिटी से 8 वोल्ट तक सर्किट रहेगा कितने पे, प्लस वी सेचुरेशन पे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट आइडिया फॉर द सर्किट, व्हेन लेट आउटपुट इज इक्वल टू -10 वोल्ट, लेट -10 वोल्ट, अगर ये -10 वोल्ट हुआ तो व्हाट यू कैन से, यू कैन से सर्किट का करंट का ये हो जाएगा, है ना, D1 इज ऑन, और अब करंट कितना फ्लो होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये 10 वोल्ट है, ये 0 है, 0 माइनस -10, ये -10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2 प्लस 2 4 4 के, तो व्हाट इज करंट इन द साइड द सर्किट, करंट हुआ 2.5 मिली एम्पियर, और 2.5 मिली एम्पियर हुआ तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 5, और ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो यहां का पोटेंशियल कितना हुआ -5, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी प्लस इज इक्वल टू -5। एंड व्हाट इज आइडिया फॉर, what is idea for output voltage, so you can say v for the circuit is equivalent to v plus which is -5 minus vi into AOL equal to, hai na, this is the v output। ab kya bol sakte hain ki agar main chahta hu ki output minus v saturation pe rahe to minus common le lo, to ye value kaisa hona chahiye, always less than 0, तो -5 माइनस वी आई शुड बी लेस देन 0, वी आई +5 शुड बी ग्रेटर देन 0,
तो वी आई शुड बी ग्रेटर देन -5, और वी आई शुड बी ग्रेटर देन -5 कौन सी लिमिट हुई? मैथमेटिकली दिस इज -5 to ∞, ये वो रेंज है तब तक सेचुरेशन, तब तक आउटपुट कहाँ रहेगा? तब तक आउटपुट रहेगा, योर आउटपुट विल स्टे एट -V सेचुरेशन. ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको सॉल्व. व्हाट आई कैन से, ये वोल्टेज है वी आई, ये वोल्टेज है वी आउट, एंड व्हाट आई कैन से, हमारे पास दो रेंज है -5 to ∞, तो ये है -5, ये है +8, तो -5 से इनफाइनाइट तक ये रहेगा कहाँ? -V सेचुरेशन पे. तो ये तो इनफाइनाइट हुआ है ना, से -5 तक ये रहेगा -V सेचुरेशन पे, और फिर कहाँ चला जाएगा? +V सेचुरेशन पे चला जाएगा. दिस इज द आइडिया. ये है आइडिया. अब देखें दूसरा क्या देखा था हमने, कि द सेकेंड चॉइस फॉर द ऑप्शन इज -∞ to 8, ये कहां रहेगा? -3 सिचुएशन पे. तो क्या बोल देता हूं मैं, 8 वोल्ट तक, -∞ से 8, तो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व. तो आप ध्यान रखें इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी पूछा जाता है, एंड दिस एरो वेरी इंपॉर्टेंट. बना दी एंड दिस इज योर आउटपुट. सो व्हाट इज दिस -5 वोल्ट इज नॉट एज VTL, लोअर थ्रेशोल्ड. सो आपसे कभी कभी हिस्टेरेसिस कर्व का विड्थ पूछ लेते हैं, तो विड्थ कितना हुआ इसका? 8 -5, विच इज 13 वोल्ट. या आपसे इस बार तो हिस्टेरेसिस कर्व ही पूछ लिया कि कर्व बताओ कैसा होगा. तो दिस इज द आइडिया फॉर द. So this is my explanation multivibrator circuit. I hope जो concept है वो आपको समझ में आए हैं, है ना, कोई problem नहीं है. इसके आगे from tomorrow we will start our class on bipolar junction transistor, one of the very important component for the analog circuits. So thank you very much, और मिलते हैं कल 5 to 7. आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क.